पिथौरागढ़ धारचूला में तवाघाट मोटर पुल टूट गया, जिससे चीन सीमा को जोड़ता मोटर पुल टूटा। 40 गांव का देश दुनिया से संपर्क टूट गया है। तो पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर धारचूला में तवाघाट मोटर पुल टूट गया, जिसके चलते चीन सीमा को जोड़ता ये मोटर पुल 40 गांव का देश दुनिया से संपर्क टूट गया है। तो सुरक्षा बल भी इसी पुल से चीन सीमा तक पहुंचते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी प्रयोग होता है ये पुल। तो इस पुल के टूट जाने से कैलाश मानसरोवर यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो अब ग्राफिक्स के जरिए इस ब्रिज को टूटने से आपको बताते हैं कि चीन बॉर्डर से संपर्क कट चुका है, तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। धाराचूला में तवाघाट मोटर पुल टूटा, जिसके चलते चीन सीमा को जोड़ने वाला ये वैली ब्रिज टूटा और अब चीन से संपर्क टूट सकता है। तवाघाट चीन सीमा को जोड़ता है वैली ब्रिज। तो धौली गंगा नदी पर यह वैली ब्रिज बना है जो टूट गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से प्रभाव, तो बीआरओ ने तैयार किया था ये मोटर पुल। तो 40 गांवों को देश दुनिया से संपर्क इस ब्रिज के टूटने से टूट चुका है। तो बॉर्डर पर नहीं पहुंच पा रही है सेना, क्योंकि सुरक्षा बल इसी पुल से चीन सीमा तक पहुंचते हैं। तो इसी ब्रिज से होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक जोशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयंक, धाराचूला में तवाघाट मोटर पुल टूटा, जिसके चलते 40 गांवों का देश और दुनिया से संपर्क खत्म। जी निश्चित तौर पर यहाँ पे जो पुल टूटने से यहाँ काफी आबादी यहाँ पे प्रभावित हुई है। इसके साथ ही जो सीमांत के क्षेत्र है, चीन और नेपाल से लगे जो इलाके हैं, उनका संपर्क यहाँ पे टूट चुका है। इसके साथ ही जो ये मार्ग है, ये मार्ग है, यहाँ से इसी रास्ते से होकर जो सेना के जवान है वो जाते हैं, एटीबीपी के जवान इसी मार्ग से होकर जाते हैं और रसद सामग्री भी इसी मार्ग से होकर जाती है, जिस कारण, लेकिन पुल टूटने की वजह से अब लोगों को यहाँ पे आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो उस पार रुका हुआ है वो वहीं रुक गया है और इसके साथ ही जो रसद सामग्री जाती है और सीमांत क्षेत्र के लोग क्षेत्रों में जो राशन जाता है वो जाना यहाँ पे रुक गया है। प्रशासन की टीम यहाँ पे मौके पर पहुंच गई है। ग्रिफ के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पुल को यहाँ पे इस स्थान पे एक नया वैली ब्रिज लगाया जाएगा, जिसमें करीब 15 दिन का समय लग सकता है। तो निश्चित तौर पर 15 दिनों तक, अगले 15 दिन जब तक ये पुल अस्तित्व में नहीं आता है, तब तक यहाँ सीमांत क्षेत्र के लोगों की यहाँ मुश्किलें बड़े रहेंगी। इसके साथ ही जो सेना के लोग इधर से आवाजाही करते थे, यहाँ से रसद सामग्री उनकी जाती थी, तो वो भी यहाँ पे काम ठप हो। चलिए मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।